क्या यूपी उपचुनाव में टूट जाएगा सपा कांग्रेस का गठबंधन? क्या सीट शेयरिंग की वजह से कांग्रेस नहीं लड़ेगी यूपी उपचुनाव? आखिर कैसे 2 और 5 सीट की लड़ाई में फंसी है सपा और कांग्रेस की दोस्ती? देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन फिलहाल खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। उपचुनाव में सीट शेयरिंग की वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खटपट की खबरें हैं। सपा ने कांग्रेस को जो सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी हैं उससे वो खुश नहीं है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, कांग्रेस के साथ अखिलेश जो कर रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी पर किस तरीके से निशाना साध रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव का ऐलान होते ही राज्य की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची लगभग तैयार कर ली है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि जल्द प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के सभी प्रत्याशियों की सूची बुधवार को जारी हो सकती है। वहीं यूपी में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाकर लड़ रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फिर से तनातनी के हालात बनते दिख रहे हैं। सपा उपचुनाव में कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी, अब फैसला कांग्रेस को ही लेना है। और इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से कांग्रेस ने फिलहाल किनारा कर लिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर की 2 विधानसभा सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस अपने लिए 5 सीटों पर दावेदारी कर रही है। कांग्रेस गाजियाबाद और खैर की बजाय अपने लिए सीसामऊ, फूलपुर और मजवा सीटों पर दावेदारी कर रही है। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी से बात ना बनते देख कांग्रेस ने दबाव बढ़ा दिया और पार्टी ने कहा कि अगर उसे सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो चुनाव से दूर रहेगी। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार सबसे बड़ी पेच गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीटों को लेकर है। ये दोनों सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस लंबे समय से जीत दर्ज नहीं कर पाई है, और अगर उपचुनाव में वो इन सीटों पर उतरती है तो भी उसके लिए जीत की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। जबकि फूलपुर और मजवा सीटों पर वो उतरती है तो न केवल उसको जीत मिल सकती है बल्कि इन क्षेत्रों में उसकी कमजोर होती पकड़ को भी मजबूती मिल सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस ने इन सीटों को लेकर अपना दबाव बढ़ा दिया है। वहीं सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके अखिलेश यादव के लिए पीछे हटना मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि दोनों दलों में पेच फंस गया है। और कांग्रेस सूत्रों के अनुसार यूपी अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश में पार्टी की स्थिति को देखते हुए अपनी ओर से मजबूत दावेदारी करने के अपने निर्णय से पार्टी आलाकमान को अवगत करा दिया है। अब सपा और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस पर अंतिम निर्णय लेगा, लेकिन ज्यादा संभावना इसी बात की है कि अगर सपा कांग्रेस को उसके मन मुताबिक सीटें नहीं देती है तो कांग्रेस उपचुनाव में नहीं उतरेगी। कांग्रेस नेताओं के अनुसार सपा को सीटों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मात दी थी और इस गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। सपा जहां 37 सीटें जीतकर संसद में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, वहीं कांग्रेस के हिस्से में 6 सीटें आई थी। लेकिन सपा कांग्रेस का गठबंधन ठीक से नहीं चल रहा। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समझ में आया था, वहां कांग्रेस ने सपा को 1 भी सीट नहीं दी थी। इसी तरह कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी सपा को 1 भी सीट नहीं दी। आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए नामांकन करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है। सपा ने 7 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में देखना यह है कि अब बीजेपी कब अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी, इंतजार उसका भी हो रहा है। और साथ ही ये भी देखना है कि उपचुनाव में सपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि बहराइच में जो हिंसा हुई दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान, उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। एक तरफ उपचुनाव में ही नहीं, सिर्फ यहाँ के उपचुनाव में नहीं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे का जो बयान है वो गूंज रहा है। और अब अखिलेश यादव बहराइच को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। वो सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं कि बहराइच हिंसा से किसको फायदा हो सकता है, जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उम्मीदवारों की लड़ाई के बीच, इस तरह के बयानों के बीच चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। नामांकन में बहुत वक्त है नहीं, देखते हैं आगे होता है क्या। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।